उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि ये अराजकता है, क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यूपी में कोई भी मंदिर बना सकता है और पैसे कलेक्ट कर सकता है, मंदिर को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है, साथ ही कई कानून राज्यों ने भी बनाए हैं। जब आपके राज्य में कानून नहीं है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को क्यों नहीं अपनाया। उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि 6 हफ्ते में बताएं कि कानून आप बना रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये केवल मंदिर का मामला नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ा मुद्दा है, हमें मंदिर से नहीं लोगों से मतलब है। तो कुछ ही दिनों के अंदर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार यूपी सरकार को सुनने को मिली है और इस बार दरअसल मंदिर के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर मामले को लेकर क्या तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है। चलिए इसी मुद्दे पर वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ कमलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कमलेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हफ्ते में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है, इस बार मंदिर मामले में। जी हाँ, ये कि बुलंदशहर में 300 साल पुराना मंदिर कहा जाता है उसी के मैनेजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी और पूछा चीफ सेक्रेटरी से क्या यूपी में मंदिर के लिए कोई कानून नहीं है, क्या मंदिर बनाने के लिए कोई भी कानून बना, कोई भी मंदिर बना सकता है या फिर मंदिर के लिए पैसा जुटा सकता है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा यूपी में ऐसा कोई कानून नहीं। इसके बाद कोर्ट ने ये जवाब तलब किया कि अगर कानून नहीं है तो केंद्र का कानून क्यों नहीं तेहेल करता। इसी से काफी आप कह सकते हैं कि यूपी सरकार की काफी फजीहत हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि 6 हफ्ते के अंदर कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना हलफनामा दायर करे। अब देखना होगा, 6 हफ्ते का हालांकि वक्त मिल गया है, सभी 6 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के या फिर ये कहें या फिर फिलहाल केंद्र सरकार जो नियम है वो प्रिवेंट करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये हलफनामा देती है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि जल्दी ही सारे मंदिरों को एक कानून के तहत लाया जाएगा और उसका प्रबंधन के जो कानून है उत्तर प्रदेश कानून जो बनने वाला है उस कानून के तहत लाया जाएगा। जी तो 6 हफ्तों के अंदर अब यूपी सरकार को जवाब देना होगा क्या वो कानून ला रही है या फिर केंद्र क्या कानून के तहत मंदिरों को संचालित किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जी।